And family boom class. Can you hear me, man? जी ओके सो हियर वी आर बैक विद अनदर टॉपिक फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी. ओके, इसमें आज हमने पढ़ना है शिगेला और विप्रो. बेसिकली अब हम चैप्टर नंबर 15 जो है लेविंसन का, इसमें हम स्टार्ट करें हैं बैक्टीरिया विच प्राइमरीली रिजाइड विद इन द इंटेस्टाइन. ठीक है, तो इसमें दो एग्जांपल्स हैं, एक शिगेला है और एक विब्रियो है. ठीक है, और इनकी डिजीज में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है. बोथ आर रिलेटेड टू द एंटेरिक ट्रैक. दोनों में आप ये कह सकते हैं कि जी मोर्टिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन शिगेला जो है वो कॉज करता है डायरिया विद ब्लड. ठीक है, सो द डायरिया कॉज्ड बाय शिगेला इट इज एसोसिएटेड विद ब्लड, एंड द डायरिया व्हिच इज कॉज्ड बाय विब्रियो इट इज वाटरी डायरिया. ठीक है, विद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, बट इट इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्लड. ठीक है, तो इन दोनों में जो स्लाइट डिफरेंसेस हैं वो हम साथ साथ स्टडी करेंगे. पहले मुझे ये बता दें कि प्रीवियस लेक्चर्स में से किसी में कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं है जो आपने नहीं पूछा. लास्ट टाइम हमने साल्मोनेला पढ़ा था. अगर किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो इस लेक्चर के एंड पे इसके क्वेश्चंस के साथ आप साल्मोनेला से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आपने पूछना है आप पूछ सकते हैं. ठीक है, ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद शिगेला. डिजीज इज बेसिकली शिगेलोसिस. ठीक है, या एंटेरोकोलाइटिस. ठीक है, अच्छा, शिगेलोसिस का एक और नाम भी है. अगर स्पेसिफिकली शिगेला कॉज कर रहा है एंटेरोकोलाइटिस तो हम इसको बेसिलरी डाइसेंट्री भी कहते हैं. ठीक है, ये हमने याद रखना है. अच्छा, समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन इन एग्जाम कि व्हाट इज बेसिलरी डाइसेंट्री एंड नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. और थोड़ी सी आपने डिजीज की डिटेल बतानी होती है और थोड़ा सा आपने ये बताना होता है कि ये स्पेसिफिकली किस बैक्टीरिया ने डिजीज कॉज की है. ठीक है, ब्लड के साथ. प्रीवियसली हमने पढ़ा था ईकोलाई. ठीक है, ईकोलाई के सारे स्ट्रेन जो है वो ब्लड एसोसिएटेड डायरिया नहीं कॉज करवाते. उसमें से सिर्फ शायद आपको याद हो थोड़ा थोड़ा हमने क्या पढ़ा था, O157H7 एक स्ट्रेन है जो एंटेरो हेमरेजिक ईकोलाई है, वो कॉल्स करते हैं ब्लड एसोसिएटेड डायरिया. लेकिन हम उसके लिए ये डायसेंट्री वाली टर्म अमूमन यूज नहीं कर रहे होते. ठीक है, ये डायसेंट्री की टर्म जो है ये हम शिगेला के साथ यूज कर रहे हैं, बेसिलरी डायसेंट्री. उसमें आप ये कह सकते हैं कि द डायरिया कॉज बाय ईकोलाई या O157H7 एंटेरो हेमरेजिक ईकोलाई इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ब्लड. So, a little about the important properties of Shigella. They are basically non-lactose fermenting bacteria. Okay, gram-negative rods hain, and they can be distinguished from Salmonella by three criteria. अच्छा, अब Salmonella से हम इनको specifically क्यों distinguish करना चाह रहे हैं? Because इनका जो area of infection है वो कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि साल्मोनेला का है. साल्मोनेला में शायद आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एम सेल्स से साल्मोनेला एंटर होता है और फिर हायर स्पेचेस में इंफेक्शन कॉज करता है. ठीक है, तो शिगेला भी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में इंफेक्शन कॉज कर रहा है. ठीक है, सो इट इज कॉजिंग इन्फेक्शन बेसिकली इन आईएम एंड कोलन. ठीक है, तो इसलिए हमें ये डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है कि ये साल्मोनेला से कैसे मुख्तलिफ है. अच्छा, इसके अलावा हम इसको डिफ्रेंशिएट विब्रियो से भी करेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों की क्लासिफिकेशन एक ही है. दे बोथ द ग्राम नेगेटिव रॉड्स व्हिच आर प्राइमरीली रिजाइडिंग इनसाइड एंड कॉजिंग इन्फेक्शन इनसाइड द जीआई ट्रैक्ट. ठीक है, तो साल्मोनेला के साथ इसके क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं? नंबर वन क्या है, शिगेला जो है ये गैस प्रोडक्शन नहीं करते जब ग्लूकोज फर्मेंटेशन होती है. ठीक है, H2S भी प्रोड्यूस नहीं करते. तो यहाँ पे हमने साल्मोनेला को डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने उसकी कॉलोनीज के साथ ये बताया था कि H2S की वजह से ब्लैक कलरेशन आ जाती है. ठीक है, जहाँ TSI की बात हुई थी वहाँ भी हमने बताया था कि इसमें साल्मोनेला कैन प्रोड्यूस अ लिटिल और नो गैस एंड दे प्रोड्यूस H2S. ठीक है, अच्छा, थर्ड क्या है कि दीज बैक्टीरिया शिगेला दे आर नॉन मोटाइल, साल्मोनेला आर मोटाइल बैक्टीरिया.
All Shigella have four antigen polysaccharide in their cell walls, and these antigens are used to divide the genus into four groups, that is A, B, C, and D. अब शिगेला को फर्दर जो क्लासिफाई करते हैं हम इसके जो एंटीजेनिक ग्रुप्स हैं, या आप कह सकते हैं कि सीरोटाइपिंग इसको कहते हैं, ठीक है, उसमें इसके चार फर्दर सब ग्रुप्स हैं जो बेस्ड हैं ओ एंटीजन पे. अच्छा, अब ये तीन प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है जो साल्मोनेला और शिगेला को डिफरेंशिएट करी है. समटाइम्स यू कैन बी आस्क्ड कि साल्मोनेला और शिगेला में क्या डिफरेंस है. इनके तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक जो है गैस प्रोडक्शन इसमें नहीं हो रही शिगेला में, दूसरा इसमें H2S प्रोडक्शन नहीं हो रही, और तीसरा ये नॉन मोटाइल है. ठीक है, ये याद रखिएगा. अच्छा, अब ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़े हैं इसमें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है इनको. शिगेला के चार कॉमन टाइप्स हैं जिनको हम अमूमन स्टडी करते हैं, जिसमें एक शिगेला डाइसेंट्री है, जैसे इसका नाम बता रहा है. ठीक है, बिसेंट्री डाइसेंट्री जो है वो शिगेला डाइसेंट्री ही कॉज कर रहा है. ठीक है, सो इट इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, या यू कैन से दिस इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ डाइसेंट्री, मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ बिसेंट्री डाइसेंट्री. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा शिगेला फ्लेक्सिली है. ठीक है, ये क्या करता है, शिगेलोसिस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में समटाइम्स ये भी इन्फेक्शन कॉज करता है, लेकिन शिगेला डायसेंट्री जो है ये सबसे ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन कॉज करता है. और शिगेला सुनाई जो थर्ड टाइप है ये डेवलप्ड कंट्रीज में. अब अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इनके अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया जाता है. बिकॉज जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनमें आपको पता है कि इनमें पुअर हाइजीनिक हैबिट्स होंगी, इनमें जो है ना वो कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, कंटामिनेशन ऑफ फूड, और इन चीजों के चांसेस ज्यादा होंगे. ठीक है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें इनमें से बहुत सारी चीजें ओवरकम हो जाती है. प्रॉपर सीवेज है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल है, प्रॉपर हाइजीनिक हैबिट्स फॉलो करने का ट्रेंड निस्बतन ज्यादा है, अवेयरनेस बहुत सारी चीजों में ज्यादा है लोगों में. ठीक है, लेकिन स्टिल. अच्छा, अब इसमें स्ट्रेन्स तो अलग अलग हो गए हैं. ठीक है, लेकिन शिगेला दोनों जगह पे इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, जो फोर्थ टाइप है शिगेला वोइडाई, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें इस वक्त हमारे लेक्चर के साथ रिलेटेड नहीं है. हमने बेसिकली जो है ना ये इनको फॉलो करना है जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में है, या फिर जो मोस्ट सीरियस फॉर्म है. फिलहाल हम इसी पर फोकस करेंगे. अच्छा, अब इसकी ट्रांसमिशन जो है फीकल ओरल रूट से है. फीकल ओरल रूट का क्या मतलब है कि दैट मीन्स के नेसेसरीली यहाँ पे डेफिशिएंसी है हाइजीनिक हैबिट्स की. ठीक है, एक टर्म होती है फीकल ओरल रूट, एक टर्म होती है ओरो फीकल रूट. ठीक है, देखने में आपको दोनों टर्म या सुनने में मिलती जुलती लग रही होंगी, लेकिन फीकल ओरल में डेफिनेटली आपको क्या पता चल रहा है कि ये वो रूट है जिसमें ऑब्वियसली इसमें हैंड हाइजीन का सबसे बड़ा रोल होगा. ठीक है, और जो ओरोफिकल है उसका मतलब ये है कि उसमें जो है वो इनटेक के जरिए से ही जा रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन उसमें डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं, जैसे फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, और काफी सारी चीजें हो सकती हैं. मगर फीकल ओरल में डेफिनेटली हाइजीन का एक बहुत बड़ा रोल है. तो इसके साथ जो है ना एक निमोनिक इसका आसान सा है कि शिगेला की ट्रांसमिशन कैसे होती है. इसमें 4 F आपने याद रखनी है. ठीक है, 1 is फिंगर्स, ठीक है, हाथों के जरिए से, यानी हैंड वॉशिंग इम्प्रॉपर. देन फ्लाइज, फ्लाइज क्या करती हैं, फ्लाइज जो है वो कंटामिनेटेड चीज़ों से जो है ना वो जर्म्स दूसरी अनकंटामिनेटेड या क्लीन चीज़ों तक लेके जाती हैं. ठीक है. अच्छा, और स्पेशली अगर ये विलेजेस वगैरह हैं जहाँ पे प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल नहीं है, ऐसे एरियाज हैं, तो इनमें जो है ना वो फ्लाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकती हैं बहुत सारी डिजीजेस फैलाने के लिए. फूड का क्या मतलब है कि अगर इम्प्रॉपरली वॉश वेजिटेबल्स हैं या इम्प्रॉपरली कुक फूड है तो उसके जरिए से ट्रांसमिट हो सकता है. एंड लास्ट इज द फीसेस. ठीक है, इसमें वही चीज आ गई कि हमने कहा कि जो वेस्ट डिस्पोजल है या सीवरेज है उसको प्रॉपरली उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कि प्रॉपर डिस्पोज हो जाए. और सेकेंडली इसमें फिर यहाँ पे दोबारा से एक हैंड हाइजीन की बात भी आ जाती है. ठीक है, तो फूड बोन आउटब्रेक्स जो हैं ये ज़्यादा होते हैं, वाटर बोन जो हैं वो निस्बतन कम होते हैं. और डे केयर्स में, नर्सरीज में, मेंटल हॉस्पिटल्स में, इन सारी जगहों पर जो है ना फीकल ओरल ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है. ठीक है, और छोटे बच्चों में इसका जो है ना वो इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है शिगेला का. और इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें कोई एनिमल रिजर्वॉयर नहीं है. ठीक है, यानी ह्यूमन से ही स्प्रेड हो रही है डिजीज, कोई एनिमल इन्वॉल्व नहीं हो रहा. तो एक पिक्चर में हमने ये जो 4 F है इसके उनको समराइज करने की कोशिश की है. ठीक है, जस्ट टू मेक थिंग्स अ लिटिल लाइटर एंड इजियर टू रिमेंबर. फर्स्ट इज फूड,
ठीक है, इसमें आपकी पसंद के सारे खाने आ गए हैं, अगर इम्प्रॉपरली कुक हो तो ये डेफिनेटली कर सकते हैं, दे कैन बी अ सोर्स ऑफ डिसइंफेक्शन। सेकेंड में जो है आप देख रहे हैं कि ये जो हमने बात की थी फूड 10 फिंगर्स, ठीक है, सो इफ द हैंड्स आर नॉट वॉश्ड देन दे कैन आल्सो स्प्रेड। थर्ड इज फ्लाइज एंड फोर्थ इज फीसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस। तो आई होप कि ये जो छोटे छोटे कार्टून्स हैं ये आपको कम से कम इन चीज़ों को रिमेम्बर करने में ये थोड़ा सा हेल्प आउट करते होंगे, अगर नहीं करते तो फिर खुद से कोई और तरीका ढूंढ लें, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू, ताकि आपको कम से कम ये जो ट्रांसमिशन है इसकी वो सबको आनी चाहिए, ठीक है। ओके, देन अबाउट द पैथोजेनेसिस, अब क्या है कि डिजीज एक्चुअली कैसे अकर करती है। दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव पैथोजेंस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बहुत थोड़े से बैक्टीरिया बॉडी में अगर एंटर कर जाएंगे तो दे कैन कॉज अ सीरियस डिजीज, ठीक है। सो दे हैव वेरी लो इन्फेक्शियस डोज, ID50 स्टैंड्स फॉर इन्फेक्शियस डोज, ठीक है। तो शिगेला वो बैक्टीरिया है जिनकी बहुत कम इन्फेक्शियस डोज है, यानी कि तकरीबन अगर 100 बैक्टीरिया भी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज शो कर सकते हैं, डिजीज बहुत ज्यादा सिवियर हो सकती है। शिगेला प्रोड्यूसेस ब्लड एसोसिएटेड डायरिया दैट इज कॉल्ड डायसेंट्री बाय इन्वेडिंग द सेल्स ऑफ द म्यूकोसा ऑफ डिस्टल ileum एंड colon। अब क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया GIT में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो साइट है ना, साइट ऑफ इन्फेक्शन, वो याद रखनी जरूरी है, ठीक है। जैसे साल्मोनेला के केस में क्या था, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की एम सेल्स और वायर्स पैचेस हमने डिस्कस किए थे, इसमें क्या है, डिस्टल ileum है और कोलन है, ठीक है। सो अ लिटिल डिफरेंस विद द साल्मोनेला। अब क्या होता है कि ये सेल्स जो है ना, दे एंटर थ्रू द म्यूकोसल सर्फेसेस ऑफ कोलन, अगर ये हम कोलन की बात करें तो वहां से कोलोनिक म्यूकोसा से एंटर होते हैं, इन्वेड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कोलोनिक एपिथेलियम में। और यहाँ पे एक और डिफरेंस भी आ जाता है जो हम साल्मोनेला से दोबारा कर रहे हैं कि टिपिकली ये जो है ना एपिथेलियम को तो अंदर एंटर हो रहे हैं, लेकिन जो फर्दर लेयर्स हैं उनको इन्वेड करके लैमिना प्रोप्रिया या उससे फर्दर आगे नहीं मूव कर रहे, ठीक है। दे प्रेफरेंशियली अटैच टू एंड इन्वेड इनटू एम सेल्स इन वायर्स पैचेस लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि ये अगर हम डिस्टल ileum की बात करें हैं या हम कोलन की बात करें, जिसकी भी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है या लार्ज की, दोनों में ये एपिथेलियम से एंटर तो जरूर हो गए हैं लेकिन लैमिना प्रोप्रिया या फर्दर लेयर्स को इन्वेड नहीं कर रहा। जिस एरिया में एंटर हुए हैं, एपिथेलियम में एंटर हुए हैं, ठीक है, अब यहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन होगी, अल्सरेशन होगी, लेकिन ये जो है ना, ये गट वॉल को पेनिट्रेट नहीं करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं होंगे, जैसे हमने साल्मोनेला में देखा था कि उसमें बैक्टीरिया हो जाता है, बिकॉज बैक्टीरिया दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड दे मूव टू द डिस्टेंट साइट्स, जिसमें बोन था, जिसमें रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम था। तो इसमें जो है ये सिर्फ एपिथेलियम से एंटर हो रहे हैं, सेल के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, वहां पे ही डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लोकल इन्फ्लेमेशन हो रही है, अल्सरेशन हो रही है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं हो रहे, बैक्टीरिया में नहीं हो रहा, ठीक है। तो कितने डिफरेंसेस हो गए अभी तक साल्मोनेला के साथ, नंबर वन इज द डिफरेंस ऑफ द साइट, ठीक है, यहाँ पे डिस्टल ileum और कोलन दोनों इन्वॉल्व है, वहां पे सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन थी। अच्छा, सेकेंड हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि इसमें भी इन्वेजन है डेफिनेटली, लेकिन इन्वेजन ऑफ ऑल लेयर्स ऑफ GIT नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ एपिथेलियम इन्वेड हो रही है, इसमें ये सेल के अंदर एंटर होके यहाँ पे ही टिश्यू डिस्ट्रक्शन या आप कह सकते हैं सेलुलर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं हो रहे, बैक्टीरिया नहीं हो रहा। ओके, सो ये पैथोजेनेसिस के लिए एक सिंपल सी आसान सी डायग्राम मुझे मिली है, जिसमें मैंने सोचा कि मैं ये आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इट्स बेसिकली फ्रॉम लिपनहॉट माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन चूंकि वो हमारी टेक्स्ट बुक नहीं है इसलिए हम हर चीज़ लिपनहॉट से फॉलो नहीं करेंगे, ऑल्दो दिस डायग्राम इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए इंटेस्टाइनल सेल्स आप इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इंजेस्टेड शिगेला है ये एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टल सेल बाय एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर ये एंटर हो गए, ठीक है। This is the lumen of the gut, these are villi, यहाँ पे सेल के अंदर एंट्री होगी। Now they escape from the endocytic vesicles and they multiply inside the cell and they are protected from macrophages. Unlike salmonella, ठीक है, यहाँ पे ये macrophage से ये protected है, ठीक है। तो macrophages क्या है, phagocytic cells, and that means they have protection from the phagocytic cells.
फिर शिगेला दे इन्वेड द नेबरिंग सेल्स. अब शिगेला में भी एक चीज है, जैसे कि हमने जब लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि इसमें कुछ एक्टिन गैदर हो जाती है टुवर्ड्स वन पोल ऑफ द बैक्टीरियम और ये एक्टिन रॉकेट्स बन जाते हैं एंड दे इन्वेड द नेबरिंग सेल्स. तो इसमें भी एक मिलता जुलता मैकेनिज्म है जिसमें ये बैक्टीरिया इस सेल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे ग्रो करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, देन दे विल ट्राई टू इन्वेड द नेबरिंग सेल्स विद सिमिलर मैकेनिज्म जिसमें एक्टिन फिलामेंट्स बन रही हैं और ये सुडोपोड्स बन रहे हैं, ठीक है, ये फिलोपोड्स बन रहे हैं सॉरी, और ये एंटर कर रहे हैं नेबरिंग सेल के अंदर. अब ये जो एंडोसाइटोसिस हो रही है ये अब इस नेबरिंग सेल के अंदर एंटर हो गया, यहाँ से फर्दर एक थर्ड सेल के अंदर भी इसी तरह से एक्टिन फिलामेंट्स के जरिए से ये एंटर हो सकता है. ओके, फोर्थ स्टेप क्या है, म्यूकोसल एब्सेस फॉर्मेशन एट द साइट वेयर द सेल डाइज. जिस सेल के अंदर ये लोकल इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है या लोकल डिस्ट्रक्शन कॉज हो रही है यहाँ पे जो है एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, डायरिया विद ब्लड विल अकर, म्यूकस पेनफुल एब्डोमिनल क्रैम्पिंग. अच्छा अब ये कैसे होती है, ठीक है, यहाँ तो हमने देखा भी तो हमने सेल टू सेल मूवमेंट देखी, हमने ये देखा कि मैक्रोफेजेस को एस्केप कर जाती है दूसरे सेल्स के अंदर डायरेक्ट मूवमेंट हो जाती है, लेकिन ये सेलुलर डिस्ट्रक्शन कैसे हो रही है इसके लिए इसकी जो टॉक्सिन है इस बैक्टीरिया की वो हमें स्टडी करनी पड़ेगी ताकि हमें आइडिया हो कि ये एक्चुअली ये इन सेल्स को डिस्ट्रक्ट कैसे कर रहा है और क्या वजह है कि यहाँ पे ब्लड और म्यूकस भी एसोसिएट हो रहे हैं. तो एम सेल्स जो हैं, हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, टिपिकली दे ट्रांसपोर्ट द फॉरेन एंटीजन्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू अंडरलाइन मैक्रोफेजेस, ठीक है, लेकिन शिगेला जो है ये फेगोसाइटिक वैक्यूल को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, फेगोसोम को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और जो सेल की अपनी इंटेस्टाइनल सेल की साइटोप्लाज्म है वहां पे मल्टीप्लाई करता है. दिस कैन ट्रांस विद साल्मोनेला विच द मल्टीप्लीकेशन इज इनसाइड द फेगोसाइटिक वैक्यूल, ठीक है. तो ये साल्मोनेला से एक और इसका डिफरेंस आ गया कि ये फेगोसाइटिक वैक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है और साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीप्लाई करता है, जबकि साल्मोनेला में क्या था कि साल्मोनेला फेगोसाइटिक वैक्यूल के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा था. अब एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो इसमें गैदर अप हो जाती है टुवर्ड्स वन एंड ऑफ द बैक्टीरिया एंड दे फॉर्म अ कॉमेट टेल, जैसे कि हमने उसमें पढ़ी थी लिस्टीरिया में, ठीक है, तो वो हमने उसमें एक्टिन रॉकेट्स पढ़े थे. इसमें भी एक्टिन फिलामेंट्स गैदर अप हो रही है, ये प्रोपेल करेंगी बैक्टीरिया को थ्रू द साइटोप्लाज्म जहाँ पे इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इन टू द एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स, जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके अंदर ये एंटर हो जाएंगे विद द सेल टू सेल पैसेज. अब ये सेल टू सेल पैसेज की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई, बिकॉज दे वॉन्ट टू एस्केप द फेगोसाइटिक सेल्स, ठीक है. और इसके अलावा जो है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, इसको जो है ना ये अवॉइड कर लेते हैं, एंटीबॉडीज को भी अवॉइड कर लिया, फेगोसाइटिक सेल्स को अवॉइड कर लिया, ठीक है, और नेबरिंग सेल्स के अंदर एंटर हो गए, दैट वे दे कैन स्प्रेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विदाउट देमसेल्फ बीइंग डिस्ट्रॉयड. Although some strains they produce an enterotoxin. इसकी जो टॉक्सिन है उसको हम क्या कहते हैं, शिगेला टॉक्सिन, शिगा टॉक्सिन, इन्वेजन जो है, लेकिन फिर भी इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है इसकी पैथोजेनेसिस में वो ये है कि दे इन्वेड द सेल्स, इन्वेड द म्यूकोसल सेल्स ऑफ द जीआई एपिथेलियम, ठीक है. शिगा टॉक्सिन दे आर एनकोडेड बाय लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेजेस. थोड़ा सा शिगा टॉक्सिन के बारे में भी पढ़ लेते हैं. शिगेला टॉक्सिन इसमें क्या है, इट इज अगेन अ टाइप ऑफ टॉक्सिन जो ए बी टाइप सब यूनिट्स हमने पढ़े थे कि जो बी सब यूनिट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग टू द होस्ट सेल एंड ट्रांसपोर्टिंग द ए सब यूनिट इन टू द सेल, ठीक है. तो ये हमने शायद आपको याद हो, मैं साथ साथ इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ बच्चों क्योंकि अभी आपका टेस्ट आने वाला है. तो ये जो ए बी सब टाइप जो है, ए बी सब यूनिट्स वाले, ये हमने सबसे पहले इसमें पढ़े थे एंथ्रेक्स में, है ना, बैसिलस एंथ्रेसिस में हमने पढ़े थे, ठीक है. फिर हमने उसके बाद और भी बैक्टीरिया में पढ़े, हमने ये कुराइनी बैक्टीरिया में भी पढ़ा था कि ए बी सब यूनिट्स है, ठीक है. तो इसमें भी वही बात है, जहाँ कहीं ए बी सब यूनिट्स होंगे बी सब यूनिट हमेशा बाइंड करेगा ए सब यूनिट को सेल के साथ और उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके बाद बी सब यूनिट का काम खत्म हो जाता है और अगला काम जो है वो ए सब यूनिट का स्टार्ट हो जाता है कि वो एक्टिवेट होके सेल के अंदर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सके. ओके, सो इसमें क्या है, इसमें भी जो है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, सेल में एंटर हो गया. अब क्या होगा, इट विल कॉज इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन ऑफ द 60S राइबोसोमल सबयूनिट एंड इट विल कॉज इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट विल लीड टू सेल डेथ, माइक्रोवैस्कुलर डैमेज टू द इंटेस्टाइनल हेमरेज, ठीक है. तो सबसे पहले ये 60S राइबोसोमल यूनिट जो है इसके साथ ये इरिवर्सिबली बाइंड कर जाता है, इसको इनएक्टिवेट कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है,
ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस जो, जैसे आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो सेल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटीग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी तो सेल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. ठीक है, दिस विल लीड टू सेल डेथ. इट विल ऑल्सो लीड टू माइक्रोवैस्कुलर डैमेज टू द इंटेस्टाइन एंड देयर विल बी ब्लड एंड फेकल ल्यूकोसाइट्स इन द स्टूल. ठीक है, ल्यूकोसाइट्स क्यों आ जाएंगे? जहाँ कहीं इन्फ्लेमेशन होती है हमेशा वहां पे न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स जो है दूसरे वो गैदर अप हो जाते हैं टू क्लियर अप द मेस. ठीक है, सो इसमें ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने याद रखनी है. बहुत सिंपल और आसान सा इसका मैकेनिज्म है. 60S राइबोसोमल सब यूनिट बस याद रखना है. ठीक है, इसके साथ बाइंड कर जाएगी, इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट हो जाएगा ये. और जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, सेल डेथ हो जाएगी, माइक्रोवैस्कुलर डैमेज हो जाएगा, देयर विल बी हेमरेज एंड देयर विल बी ब्लड एंड ल्यूकोसाइट्स इनटू द स्टूल. अच्छा, अब ये जो है इसको जो शिगेला टॉक्सिन है ये हम देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया है यहाँ पे, ये शिगेला टॉक्सिन प्रोड्यूस की है. दिस इज द टॉक्सिन व्हिच इज गोइंग टू एंटर द सेल. ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, ये एक फ्लावर की शेप में बनाई हुई है. क्यों? दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल शेप, ये थोड़ा सा आपको बता रही है इसके बारे में. जो सेंट्रल लार्ज येलो यूनिट है दिस इज द ए सब यूनिट. ठीक है, और ये जो छोटे पर्पल यूनिट्स हैं विच आर 5 इन नंबर. ठीक है, पेंटामर होता है इसका. जो बी सब यूनिट है इट इज अ पेंटामर, यानी कि इसके 5 जो है ना वो इसके कह सकते हैं 5 प्रोटीन्स के 5 यूनिट्स हैं. ठीक है, तो ये जो है ये पर्पल यूनिट्स में इसके बी सब यूनिट है एंड दे आर गोइंग टू अटैच टू द सेल, इंटेस्टिनल सेल. और ये सब यूनिट ए जो है इसको इन्होंने अंदर ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अंदर. ये एंडोसिटोसिस हो गई, ये सेल के अंदर एंटर हो गए, वेसाइकल के अंदर है. इस वेसाइकल के अंदर कुछ ऐसी पीएच कंडीशंस जनरेट होती हैं जिनकी वजह से ये बी सब यूनिट ए सब यूनिट से अलग हो जाता है. ठीक है, और फिर ये साइटोप्लाज्म को एंटर कर जाता है. साइटोप्लाज्म को एंटर करके ये क्या करेगा, ये जो वेसाइकल है इसको जैसे आपको बताया गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके इसमें प्रोसेस होना है. ठीक है, यहाँ पे एंटर जो है ना आगे नेक्स्ट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. इसके अंदर बेसिकली ए सब यूनिट ने ही एंटर होना है. यहाँ से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये यहाँ से राइबोसोम्स में 60S को आइडेंटिफाई करेगा, फिर 60S के साथ बाइंड कर जाएगा, उसको इनएक्टिवेट कर देगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी. अच्छा, और इसके अलावा दूसरा काम क्या होगा, यहाँ पे इनकी वजह से जो है ना ये सेलुलर सिग्नल मिल जाएगा, जो आपके प्रो एपोप्टोटिक जो सब्सटेंसेस हैं वो जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी, एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएगी. ठीक है, अब जब इंटेस्टिनल सेल्स में डेफिनेटली एक लोकल एरिया में इस तरह की डिस्ट्रक्शन होगी तो वहां से सारे जो प्रो इंफ्लेमेटरी सिग्नल्स हैं वो जनरेट होंगे और वहां पे न्यूट्रोफिल्स और दूसरे सेल्स जो हैं वो पहुंचेंगे ताकि वो वहां से क्लियर कर सकें एनवायरमेंट को. ठीक है, तो ये इंफ्लेमेटरी सेल्स जो हैं ये जब ये डायरिया होगा तो इसके साथ जो है वो एसोसिएटेड होंगे और स्टूल सैंपल में दे कैन बी आइडेंटिफाइड. अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड है तकरीबन 1 to 4 days. ठीक है, यानी कि 1 to 4 days आफ्टर कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर और सच थिंग्स. इसके तकरीबन 1 to 4 days के अंदर इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है. पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा फीवर के साथ. इसमें एब्डोमिनल पेन जो है या एब्डोमिनल क्रैम्प्स ये बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और उसके बाद डायरिया होता है. इट मे बी वाटरी एट फर्स्ट लेकिन afterwards जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में ब्लड और म्यूकस दोनों चीजें इसके अंदर आप ऑब्जर्व कर सकेंगे या पेशेंट कंप्लेन करेगा. डिजीज सिवियरिटी जो है वो डिपेंड करती है कि शिगेला की कौन सी स्पीशीज है. जैसे हमने कहा कि शिगेला डिसेंट्री जो है वो सबसे ज्यादा सिवियर डिजीज कॉज करता है. और इसके अलावा एज ऑफ द पेशेंट, इसमें हमने कहा था छोटे बच्चों में लेस देन 10 years ऑफ एज ये ज्यादा कॉमन है. फिर एल्डरली जो लोग हैं वो डेफिनेटली वो भी इसकी इससे सिवियरली इफेक्ट होते हैं. अच्छा, शिगेला डिसेंट्री जो है वो सबसे सिवियर डिजीज कॉज करता है लेकिन ज़्यादातर ये ट्रेवलर्स में नज़र आता है. ठीक है, जो मतलब अंडर डेवलप्ड एरिया से ट्रेवल करके जो लोग आ रहे होते हैं उनमें ज़्यादा शिगेला डिसेंट्री आइडेंटिफाई होता है. शिगेला सुनाई जो है ये इसकी डिजीज माइल्ड है लेकिन तकरीबन 75% केसेज में जो है वो शिगेलोसिस शिगेला सुनाई ही करता है डेवलप्ड कंट्रीज में. और जो डायरिया है वो अमूमन 2 to 3 days में सेल्फ की डिसॉल्व कर सकता है.
ओके देन वी गो फॉर लैब डायग्नोसिस। ठीक है, अब वही बात है इसमें फिर कि आपने जो टिपिकल टॉपिक्स हैं जो आपने टेस्ट के लिए इसमें से जो आपने सिलेक्टिवली प्रिपेयर करने हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें पैथोजेनेसिस है, उसमें टॉक्सिन का मैकेनिज्म है, उसमें ट्रांसमिशन आपसे पूछी जा सकती है वन मार्क में, आपसे लैब डायग्नोसिस पूछा जा सकता है, ट्रीटमेंट आपसे अमूमन नहीं पूछा जाता, और प्रिवेंशन में जो कि इसकी अगर कोई वैक्सीन होगी तो फिर ये पूछा जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर आपको जनरल प्रिवेंशन जो फूड बोन इलनेसेस की है वो आनी चाहिए बताइए। ठीक है, और उसके लिए अगर आपको वो 4F का फॉर्मूला याद रहेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है तो आप प्रिवेंशन भी बड़े आराम से लिख सकते हो कि ये चार चीज़ें जो है इनको अगर अवॉइड कर लिया जाए तो डेफिनेटली डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो शिगेला में क्या है कि पेशेंट का जो सैंपल आप लेंगे वो स्टोर सैंपल होगा, इसकी इस सैंपल से स्मीयर बना के स्टेनिंग करेंगे, ग्राम नेगेटिव डॉट्स आपको नजर आएंगे, और दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि ग्राम नेगेटिव डॉट्स जो है वो ग्राम स्टेनिंग पे अपेयर होते हैं रेड, ठीक है, पिंक और रेड। अच्छा, इसके अलावा एक और स्टेनिंग भी है मिथाइलिन ब्लू स्टेन जो है, अगर फीकल सैंपल का हम ये स्टेन करें तो इसमें जो फीकल न्यूट्रोफिल्स है ना ये इसमें बहुत प्रोमिनेंटली नजर आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इंडिकेट्स दैट द डिजीज इज इनवेसिव। फॉर एग्जांपल किस किस में हो सकता है, शिगेला में, सैल्मोनेला में, कंपाइलोबैक्टर में, रादर देन अ टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जब भी न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें इनवेसिव डिजीज है या टॉक्सिन जो है वो इनवेसिव है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया इन्वेड कर रहे हैं इंटेस्टिनल सेल्स को। तो इसमें क्या एग्जांपल आ गया, अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन फीकल सैंपल या नेम एनी कंडीशंस इन व्हिच न्यूट्रोफिल्स आर फाउंड इन अ फीकल सैंपल, तो आपके पास एग्जांपल होगी शिगेला की, साल्मोनेला की, और कंपाइलोबैक्टर हमने अभी नेक्स्ट वीक पढ़ना है उसमें भी इस तरह की पिक्चर बनती है। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये बताएं कि जो डायरिया एसोसिएटेड विद टॉक्सिन है वो कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं, तो उसमें तीन आपके पास एग्जांपल्स हैं, विब्रियो कॉलरी जो हमने आज पढ़ना है, इकोलाई जो हमने पहले पढ़ लिया है, और क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस जो कि ग्राम पॉजिटिव में हमने क्लॉस्ट्रिडिया में पढ़ा था, इसके साथ ये एसोसिएटेड है। ठीक है, कल्चर शिगेला जो है नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कलरलेस कॉलोनीज बनाते हैं मेकोनकी जैगेट पे। इसके अलावा हमने एक्सएलडी एगर पढ़ा था लास्ट टाइम जो हमने साल्मोनेला के लिए पढ़ा था, साल्मोनेला की उसमें कुछ डिफरेंट पिक्चर होती है जिसमें कुछ रेड कॉलोनीज होती हैं और उसमें ब्लैक सेंटर्ड होती हैं। इसमें क्या है, इसमें पिंकिश टू रेडिश कॉलोनीज हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और एंटेरिक एगर है जो कि जो इसके लिए एंटेरिक बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है वो है हिक्टोइन एंटेरिक एगर है, ठीक है, HEA, इसमें ग्रीन या ब्लू कलर कॉलोनीज आती है। बायोकेमिकल टेस्ट में है TSI में आपको एल्कलीन स्लैंट और एसिडमेंट नजर आएगी, देर इज नो गैस, नो H2S। ठीक है, स्लाइड डिटरमिनेशन के जरिए से आप इसको जो है ना ग्रुप डिटरमिनेशन कर सकते हैं। सो हम ये एक दफा इसकी कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं शिगेला की। जैसे हमने कहा कि मेकोनकीज अगर पे, यहाँ पे ये मेकोनकीज मीडियम है, ठीक है, इस पे कलरलेस कॉलोनीज ये बनाता है, ये इंडिकेट करता है कि दिस इज आइदर नॉन लैक्टोज फर्मेंटर और अ लेट लैक्टोज फर्मेंटर, ठीक है, शिगेला इज अ लेट लैक्टोज फर्मेंटर। ठीक है, सो आप इसको नॉन लैक्टोज फर्मेंटर भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये जो हमने अभी बात की थी HEA एगर जो है, ये जो एंटेरिक एगर है, ठीक है, इसमें शिगेला भी आप देख सकते हैं कि ये इसकी कॉलोनीज है और ये साल्मोनेला की कॉलोनीज है जिसमें आपको ब्लैकनिंग नजर आ रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2S। ठीक है, और जो शिगेला की है ये हल्की सी ग्रीन ब्लू सी कॉलोनीज है और इसके अंदर कोई ब्लैकनिंग नजर नहीं आ रही है, इसमें कोई H2S प्रोड्यूस नहीं। और ये वाला हमारा XLD अगर है, ठीक है, इसमें जो है हमने पिंक रेड कॉलोनीज हमने कही थी, ये यहाँ पे आपको पिंक कलर मीडियम का अप्रिशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे रेड कर सकते हैं, तो ये पिंक रेड सी जो है ना इसमें अपेयरेंस। ठीक है, ये आपने इसके साथ ऑब्वियसली आपने ये पिक्चर्स बनानी नहीं है कहीं पे भी, लेकिन ये दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अदरवाइज आपका ये लैब डायग्नोसिस बड़ा ड्राई सा हो जाता है कि आपको बस रट्टा लगाना है कि इसमें ये होगा ये होगा, तो इन पिक्चर्स के जरिए से आपको थोड़ी सी चीज माइंड में रह सकती है कि हमने यहाँ पे ये चीज डिस्कस की थी। ठीक है, अच्छा, TSI की हम बात करते हैं, ये देखिए एक मुझे चार्ट मिला बहुत अच्छा सा, इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि एंटेरोबैक्टीरियोसिस को हम दो सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वन इज द लैक्टोज फर्मेंटर्स एंड सेकंड इज द नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स या लैक्टोज नॉन फर्मेंटर्स। ठीक है, तो जो फर्मेंटर्स है उसमें आपको ई कोलाई और क्लेब्सिला है, ठीक है, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स है उसमें साल्मोनेला शिगेला प्रोटीज, मुझे लगता है मैंने शायद इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था, ठीक है, जिसमें थी
लैक्टोज फर्मेंटर्स और नॉन फर्मेंटर्स थे। अच्छा, अब इसमें से जो सैल्मोनेला और शिगेला है ना, ये इसमें स्पेशली जो शिगेला, सॉरी शिगेला जो है, इसको शिगेला को जो है ना वो हम लेट लैक्टोज फर्मेंटर्स में भी समटाइम्स काउंट कर लेते हैं, यानी कि ये काफी टाइम के बाद थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन हो जाती है इसमें शिगेला में। ओके, सो यहाँ पे जो है ना ये है शिगेला का जो हमारे पास TSI में जैसे अपीयरेंस इसकी आएगी, दिस इज अ येलो स्टैंड येलो बट, ठीक है, विच इंडिकेट्स एसिडिक रिएक्शन, ठीक है, और जो एल्किलीन ये रेड है वो ये इसकी स्टैंड पे है, ठीक है, सो इट इज नेगेटिव फॉर लैक्टोज, ठीक है। और जो लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं इनमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इसमें इतना ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है कि पूरा मीडियम का कलर इसमें येलो हो गया है, दीज आर लैक्टोज फर्मेंटर्स। इसमें आपको समटाइम्स किसी टाइप की शिगेला में आपको ऐसे हो सकता है कि थोड़ी बहुत रेडिंग नजर आ जाए, यानी कि एसिड प्रोडक्शन मामूली सी हो रही हो, लेकिन नॉट ऑल टाइप्स ऑफ शिगेला आर फर्मेंटर्स। ट्रीटमेंट इज यूजली नॉट आस्क्ड इन एग्जाम, लेकिन जनरल मैनेजमेंट हर चीज की आपको बतानी आनी चाहिए, ठीक है। सो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट का आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पेशेंट की कंप्लेन अगर डायरिया है तो उसमें आपने फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करना है। किसी भी पेशेंट की कंप्लेन अगर फीवर है तो उसमें आपने एंटीपायरेटिक देनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो सिवियर केसेस में क्लोरोक्विनोलोन है, ठीक है। हम इनको ज़्यादा नहीं डिस्कस करते क्योंकि हमने ड्रग या आप कह दीजिए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसमें थर्ड ये दे सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स वेयर नीडेड, ठीक है। तो यू विल नॉट बी आस्क्ड कि आपको स्पेसिफिकली कौन सी एंटीबायोटिक दे रही हैं या किन केसेस में दे रहे हैं किन में नहीं दे रहे हैं, अनल सीवियर केसेस में एंटीबायोटिक की जरूरत। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन आपने याद करनी होती है, क्या प्रिवेंशन है इसकी, जनरलाइज्ड किस्म की है, सिंपल सी है, हर बंदा बता सकता है। फीकल ओरल ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करना है आपने, ठीक है, वो कैसे करेंगे, इट्स वेरी 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 मच इजी, ठीक है। वो 4F आप याद कर लें, जिसमें क्या क्या था, फूड है, फूड शुड बी प्रॉपरली हैंडल्ड विद क्लीन हैंड्स, ठीक है, और प्रॉपरली कुक होना चाहिए, वेजिटेबल्स हैं तो अच्छी तरह वॉश होना चाहिए, वाटर है इट शुड बी बॉइल्ड एंड प्योरीफाइड, ठीक है। फिर ये कि प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल होना चाहिए ताकि आप ये इसका जो है ना वो बाकी के इसके जो फ्लाइज और पीसेस वाले जो एफ है इनको आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, पर्सनल हाइजीन, इसमें ये जो फिंगर्स वाला था, दैट इज हैंड वॉशिंग बाय फूड हैंडलर्स के लिए। तो ये चारों एफ अगर आप याद रखेंगे, सीक्वेंस बेशक डिफरेंट भी हो जाए तो आपको प्रिवेंशन लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा इसके लिए। देयर इज नो वैक्सीन, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स आर नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ये एक फनी सा है कार्टून, कुछ एक फ्लाई बनाई हुई है, नो फ्लाई इज गोइंग टू बी स्कैंड कि ये कोई बैक्टीरिया तो नहीं काट के लिए, ठीक है, एंड इज वेरी सैड, जो कि हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो ये मत दिखाइएगा प्रिवेंशन में कि फ्लाइज को स्कैन करना है। क्या साइड फ्रॉम द जोक, बच्चे ऐसी सीधी चीजें लिख भी देते हैं और एग्जाम में कह भी आते हैं कि मैडम ने ये कहा था कि इस तरह से करना है, ठीक है, तो ऐसी प्लीज फनी हरकतें मत कीजिएगा। ओके, सो दिस वॉज ऑन अ लाइटर नोट, अब हम स्टार्ट करते हैं विब्रियो। ठीक है, विब्रियो जो है इसकी डिजीज कॉलरा है, ठीक है। कॉलरा के बारे में आप सबने सुना होगा, हैजा कहते हैं इसको उर्दू में, ठीक है। विब्रियो कॉलरी जो है इट इज अ मेजर पैथोजन जो कि कॉलरा या हैजा कॉज करता है। विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस एक और ऑर्गेनिज्म है जो इसी जीनस से बिलोंग करता है। ये क्या करता है, इट कॉजेस डायरिया विच इज एसोसिएटेड विद ईटिंग रॉ सी फूड, और इसमें भी स्पेसिफिकली जो रॉ या इम्प्रॉपरली कुक सी फूड है इसमें ऑयस्टर्स आ जाते हैं, इसमें श्रिम्प्स आ जाते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। अनदर टाइप इज विब्रियो वल्निफिकस, ये क्या करती है, ये सेलुलाइटिस कॉज करती है, यानी स्किन इन्फेक्शंस और सेप्सिस कॉज करती है। अब जो विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस और वल्निफिकस, ये दोनों जो है ना ये मैरिन ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यानी कि ये उन लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करेंगे जो या तो सी फूड को इम्प्रॉपरली कुक कंज्यूम करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ये एक ये जो जापानीज फूड में होती है सुशी और ये चीजें होती है ना, ये थोड़ी सी रॉ फॉर्म में होती है, ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों में इस डिजीज के चांसेस ज्यादा है। तो इसका डेफिनेटली एक जो सिनेरियो बनेगा, इट वुड बी समथिंग रिलेटेड टू जापानीज कुजीन और या सुशी का नाम होगा उसमें कहीं पे। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, दिस इज नॉट सेफ। अच्छा, और विब्रियो वल्निफिकस जो है वो क्या एग्जाम्पल, इसके ये किन लोगों में इन्फेक्शन कॉज करेगा,
ये बेसिकली उन लोगों में हो सकते हैं जो ज्यादा स्विम करते हैं, ठीक है, और या फिर ओशन के करीब रहते हैं, ठीक है, वार्म सॉल्टी वाटर्स के. अच्छा, विब्रियो की एक कैरेक्टरिस्टिक है, देयर हैलोफिलिक, दे रिक्वायर अ हाई सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन टू ग्रो. ठीक है, दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है. Important properties, they are curved, they are coma shaped. ठीक है, ये coma shape बड़ा एक favorite term होती है जहाँ पे हम Vibrio का clinical scenario बनाते हैं. तो coma shaped gram negative dots या curved gram negative dots were seen in the sample. ठीक है, it is divided into two groups according to the nature of O cell wall antigen. तो बच्चों, ये जब हमने जो first lecture हमने पढ़ा था जिसमें हमने introduction पढ़ा था GNR का या gram negative dots का, उसमें हमने ये तीनों जो एंटीजन हैं वो हमने डिस्कस किए थे, विच आर कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली, जिसमें एक ओ एंटीजन था विच इज द आउटर मेम्ब्रेन एंटीजन, एंड देन देयर वाज अ के एंटीजन दैट वाज द कैप्सुलर एंटीजन, एंड देन देयर वाज एन एच एंटीजन ओनली फॉर द बैक्टीरिया दैट आर मोटाइल एंड विच आर नॉट प्रेजेंट इन द नॉन मोटाइल बैक्टीरिया. ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा कि ओ एंटीजन इज वेरी मच डेवलप्ड इन केस ऑफ विब्रियो. ठीक है, सो जो ओ वन ग्रुप है इसमें ओ सेल वॉल के बेस पे टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक ओ वन ग्रुप है, एक ओ टू ग्रुप होगा डेफिनेटली. जो ओ वन ग्रुप है वो एपिडेमिक डिजीजेस कॉज करता है. जो नॉन ओ वन है, इन्होंने ओ टू नहीं कहा उसको, इन्होंने उसको कहा है नॉन ओ वन. ठीक है, यानी कि दैट मीन्स डेफिनेटली उसमें ओ टू के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे. ठीक है, इसीलिए एक को कहा ओ वन, एक को कहा नॉन ओ वन. नॉन ओ वन जो है ये या तो नॉन पैथोजन है या फिर ये दूसरी डिजीजेस कॉज करते हैं, लेकिन जो एपिडेमिक्स है यानी आउटब्रेक्स जो है वो ओ वन को कॉज करता है. ठीक है, अच्छा, अब ओ वन ऑर्गेनिजम जो है इनकी दो बायोटाइप्स है. अच्छा, यहाँ पे एक दफा फिर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमने एक वर्ड पढ़ा है सीरोटाइप और एक वर्ड अब हम पढ़े हैं बायोटाइप. ठीक है, तो सीरोटाइप इज डिफरेंट फ्रॉम बायोटाइप. कैसे डिफरेंट है? जो सीरोटाइप है इट इज बेस्ड ऑन द एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, और जो बायोटाइप है इट इज बेस्ड ऑन बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज. तो मुझे आप साथ साथ थोड़ा सा हिंट दे दिया करें कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है, फॉलो कर रहे हैं लेक्चर को, या थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहे हैं. अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको रुक के पहले क्लियर कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, चले जी. ठीक है, तो हमने कहा कि एक बायोटाइप है जो बायोकेमिकल टेस्ट की बेस पे या बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे होती है, और एक सीरोटाइप होती है जो कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज की बेस पे होती है. तो जो ओ वन ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरनली, वो पूरा ग्रुप जो है उसमें से कुछ बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज कुछ में डिफरेंट है, कुछ में मतलब ये कि दो ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड हो गया, एक क्लासिक ग्रुप हो गया और एक एल्टोन ग्रुप हो गया. ठीक है, और तीन सीरोटाइप्स है यानी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज जो है वो तीन तरह की इस एक ग्रुप के अंदर शो होती है, जिसमें है ओगावा, इनावा एंड हिकोजिमा. तो ये नाम भी थोड़े से इंडिकेट करें कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द जापानीज. ठीक है, इसी तरफ के कुछ कुछ नाम है इनके. अच्छा, अब जो सीरोटाइप है O139 ऑर्गेनिज्म विच कॉज्ड अ मेजर एपिडेमिक इन 1992, दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर रिएक्शन टू एंटीसीरा टू द O139 पॉलीसैकेराइड एंटीजन. अच्छा, अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सीरोटाइप है O139 जिसने 1992 में एक बहुत बड़ा आउटब्रेक कॉज किया था. ठीक है, और इसको हम इसी बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एंटीसीरा टू O139 से इस पे रिएक्शन शो करता है. ठीक है, ओके. फर्दर ट्रांसमिशन कैसे हो रही है? इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड. ठीक है, अगेन यहाँ पे कुछ कुछ हाइजीनिक भी हो सकता है और इसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ मिक्सिंग ऑफ द सीवरेज सिस्टम्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो उसके जरिए से भी ट्रांसमिट हो सकता है. प्राइमरली सोर्स जो है वो ह्यूमंस हैं. ह्यूमन कैरियर्स आर फ्रीक्वेंटली एसिम्प्टोमैटिक. सो दिस इज द मेन रीजन के इसके आउटब्रेक्स भी हो जाती हैं. ठीक है, और ये जो है ना, ये वाटर सोर्सेज और ये जो पोल्यूट हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जो ह्यूमन कैरियर्स हैं, जो सीवेज या वेस्ट डिस्पोजल है इन टू द वाटर सोर्सेज, वहाँ से ये दोबारा से लोगों तक पहुँच जाता है. सो इट इंक्लूड्स द इंडिविजुअल्स हु आर आइदर इन द इंक्यूबेशन पीरियड
ठीक है, या फिर ये कन्वेलेसेंट फेज में। कन्वेलेसेंट का मतलब क्या है, जो रिकवरिंग फेज है, और इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है, इट इज बेसिकली द टाइम ड्यूरेशन जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हो गए, तब से लेके वो वाला टाइम जब बैक्टीरिया ने सिम्टम्स कॉज करने शुरू किए या डिजीज कॉज होनी शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड को एक दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक लेट्स से कि एक पर्सन ने कोई ऐसी चीज इन्वेस्ट कर ली जिसके अंदर बैक्टीरियल कंटामिनेशन थी। ठीक है, अब ये फर्स्ट एक्सपोजर जो है उसकी बॉडी के अंदर जब वो एंटर हो गए, तब से लेके वो सारा टाइम जिसमें कि बैक्टीरिया डिजीज कॉज करना शुरू करते हैं और सिम्टम्स जाहिर होने शुरू हो जाते हैं ना, तब तक का टाइम इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद तो डिजीज स्टार्ट हो जाएगी। और कन्वेलेसेंट में मैंने आपको क्या कहा, जो रिकवरी फेज है। द मेन एनिमल रिजर्वॉयर्स इसमें मैरिन शेलफिश है, फॉर एग्जांपल श्रिम्प्स है, ऑयस्टर्स है। इंजेक्शन ऑफ दीज विदाउट एडिक्वेट कुकिंग कैन ट्रांसमिट द डिजीज। ठीक है, अब ये एक ये श्रिम्प और ऑयस्टर जो है ना, कार्टून इंडिकेट कर रहे हैं कि दीज आर द पॉजिटिव एजेंट्स है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम इसकी डिजीज हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं कि कॉलरा जो है 1960s और 70s में एक बहुत बड़ा आउटब्रेक आया था इसका, जो साउथ ईस्ट एशिया में स्टार्ट हुआ था और तीन कॉन्टिनेंट्स को इसने इन्वॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब ये जो है ना, ये अब आप देख लें कि ये जो आजकल का ये जो जमाना है, इसमें एक डिजीज का पेंडेमिक बनते हुए कुछ थोड़ा सा ही टाइम लगता होगा बेसिकली। व्हाई? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हैं वो इतनी एडवांस हो चुकी हुई है कि एक मिनट में एक बंदा जो है वो एक जगह पे है और सडनली वो वहां से थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट या लैंड ट्रांसपोर्ट वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा है और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में एंटर हो रहा है। तो अगर वो कैरियर ही किसी भी डिजीज का एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है तो वो बहुत ईजिली उस डिजीज को दूसरे कॉन्टिनेंट तक लेके जा सकता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स कॉलरा के अलावा और भी हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वाइन फ्लू जो है वो भी इसी तरह से फैला था। अब हमारे पास ये जो करंट एग्जांपल है COVID-19 की, ये भी इसी तरह से फैला है कि ट्रांसपोर्ट जो है ना, जितनी ज्यादा एडवांस होती जाएगी डिजीजेस की जो ट्रांसमिशन है, स्पेशली इन केस ऑफ एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, ये बहुत जल्दी बहुत तेजी से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फैल जाते हैं। सो एक और एपिडेमिक इसकी जो है, ये पेरू में स्टार्ट हुई थी 1991 में और फिर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में बहुत सारे एरियाज में ये फैल गई थी। और जो ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म इसमें आइसोलेट हुआ था, दैट वाज इंडोर बायोटाइप ऑफ O1 प्योरली। ठीक है, ओगावा सीरोटाइप ज्यादा इसमें इन्वॉल्व थी। ये जो हिस्ट्री है ना, ये बेसिकली हमें थोड़ा सा ये बताती है कि ये ऑर्गेनिजम्स कितने ज्यादा विजिलेंट हैं और कितनी तेजी से स्प्रेड करते हैं। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि मोस्ट कॉमनली इसमें से आपसे क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। फैक्टर्स दैट प्रीडिस्पोज टू एपिडेमिक, हाँ ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एपिडेमिक किन एरिया में होगी, आउटब्रेक कहाँ पे ज्यादा होगा, एरियाज ऑफ पुअर सैनिटेशन, एरियाज ऑफ माल न्यूट्रिशन, जहाँ पे लोगों को डाइटरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, जहाँ लोगों को खाने पीने की सहूलतें मैसर नहीं है, ओवर क्राउडिंग, छोटे एरिया में बहुत सारे लोग जहाँ पे इकट्ठे रहते हों, पुअर हाइजीनिक हैबिट्स हों, माल नरिश्ड हो, इन्फेक्शन जल्दी जल्दी गेट कर लेते हैं। माल न्यूट्रिशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद लाइक इम्यूनिटी जो है इन लोगों में कम होती है। ठीक है, हम स्पेसिफिकली शायद जिसको माल नरिश्ड को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एसेट शायद कह सकते हैं या नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली जो भी न्यूट्रिएंट्स एक बॉडी को रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू फाइट विद डिजीज, अगर वो उस पर्सन को अवेलेबल नहीं है तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो लो ही होगी। ठीक है, और इनएडिक्वेट मेडिकल सर्विसेज, जैसे कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में है कि जो सेहत की बेसिक सहूलियात हैं वो सब लोगों को मैसर नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक और बात क्या नोट की गई कि जो इवन क्वारंटीन मेयर्स थी उसके बाद भी डिजीज का स्प्रेड नहीं रुका। क्यों? क्योंकि क्वारंटीन आप उन लोगों को करते हैं आइदर पीपल हु आर इन कॉन्टेक्ट विद समबडी हु इज डिजीज्ड और द पर्सन जिसमें आपको शुबा होता है कि ये साइन एंड सिम्टम्स डेवलप ना कर ले। ठीक है, लेकिन कभी भी आप एसिम्प्टोमेटिक लोगों को तो नहीं क्वारंटीन करते ना, कि जैसे अब आजकल हमने खुद सेल्फ क्वारंटीन किया हुआ है इस कोविड के सिलसिले में, लेकिन डेफिनेटली जिन लोगों का एक्सपोजर होता है एक चीज के साथ, जिनके कॉन्टेक्ट हिस्ट्री होती है, उनको हम क्वारंटीन करते हैं। हर बंदे को तो क्वारंटीन नहीं करते। तो अगर कोई ऐसी डिजीज होगी जिसमें करियर को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सक रहा, तो उसमें क्वारंटीन से भी कुछ नहीं होगा, इसमें
आई थिंक कोविड इज आल्सो वन ऑफ देम. इन 1992 विब्रियो पर्नस सीरोटाइप O139 इमर्ज एंड कॉज्ड अ वाइडस्प्रेड एपिडेमिक ऑफ कॉलरा इन इंडिया एंड बांग्लादेश. पैथोजेनेसिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि आपको चीज रह ना जाए हमारी. पैथोजेनेसिस जो है बेसिकली डिपेंड करती है कोलोनाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, जैसे कि हमने शिगेला में देखा स्मॉल और लार्ज दोनों थी, हमने साल्मोनेला में देखा उसमें स्मॉल थी. अच्छा, और इसके अलावा इसमें कैंटेरोटॉक्सिन भी सिक्रीट हो रही है. सो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया मस्ट बी इंजेस्टेड. जब भी कोलोनाइजेशन होनी है किसी बैक्टीरिया की तो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया होने चाहिए. क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि इस कंडीशन में स्पेसिफिकली जो विब्रियो है या विब्रियो कॉलरी है ये स्टमक एसिड से सेंसिटिव है. ठीक है, तो अगर स्टमक एसिड से सेंसिटिव है तो इसका मतलब ये है कि स्टमक एसिड जो है वो इसको कुछ बैक्टीरिया तो उसमें से किल भी हो जाएंगे, हो सकता है कुछ स्केप हो जाए, हो सकता है कि कुछ किल हो जाए. अगर बहुत लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे तो फिर वो स्केप भी कर सकते हैं, पर अगर बहुत थोड़े से होंगे तो डेफिनेटली स्टमक एसिड उनको डिस्ट्रॉय कर देगा. अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी है कि वो लोग जो एंटीसिड्स लेते हैं या वो लोग जिनमें गैस्ट्रेक्टमी पार्शियल हो चुकी होती है उनको फिर डेफिनेटली इनके इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है. Adherence to the cells of the brush border of the gut, which is requirement for colonization, it is related to secretion of the bacterial enzyme mucinase. अब ये mucinase enzyme क्या करता है, जो gut की protective layer है या glycoprotein coating है intestinal cells के ऊपर, उसको destroy कर देता है. ठीक है, उसके बाद ये adhere कर जाएगा, उसके बाद ये अपने toxin जो है cholera toxin उसको secrete कर देता है. अब ये कॉलरोटॉक्सिन इतनी पोटेंट किस्म की टॉक्सिन है कि अगर ये वंस इट एंटर्स द सेल या ये प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी के अंदर तो चाहे एक्चुअल बैक्टीरिया जो है वो रहे या ना रहे, ठीक है, इट विल कॉज द डिजीज. मतलब बैक्टीरिया की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, टॉक्सिन की प्रेजेंस जरूरी है. ठीक है, सो इट कैन रिप्रोड्यूस द सिम्टम्स ऑफ कॉलरा इवन इन द एब्सेंस ऑफ विब्रियो ऑर्गेनिजम्स. यानी कि वंस ये टॉक्सिन सीक्रेट हो गई है, ठीक है, अब उसके बाद अगर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं भी कर रहे तो भी डिजीज तो हो जाएगी. ठीक है, कॉलरोटॉक्सिन का दूसरा नाम है कॉलरिजन. कॉलरिजन भी अगेन ए बी सब यूनिट टाइप टॉक्सिन है. ए सब यूनिट इज द एक्टिव सब यूनिट, बी सब यूनिट इज द बाइंडिंग सब यूनिट. बाइंडिंग सब यूनिट क्या करता है, इट इज ऑल्सो अ पेंटामर कंपोज्ड ऑफ फाइव आइडेंटिकल प्रोटीन्स. इट बाइंड्स टू गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ एंटेरोसाइट. यहाँ पे एंटर हो जाता है, साइटोसोल के अंदर ए यूनिट को इंसर्ट कर देता है. अब ए सब यूनिट क्या करता है, ये जी प्रोटीन के ऊपर एडीपी राइबोज को ऐड करने का इसको कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को. जहां पे जी प्रोटीन के ऊपर एडीपी राइबोज ऐड हो रहा है इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है. इसकी वजह से क्या होता है कि जो जी प्रोटीन है ना ये स्विच ऑन हो जाती है. ठीक है, अब जब ये स्विच ऑन हो जाएगी तो ये परसिस्टेंटली मतलब ये कंटिन्यूस स्टिमुलेशन देगी एडिनाइलेट साइक्लेज को. ठीक है, नॉन स्टॉप स्टिमुलेशन ऑफ द एडिनाइलेट साइक्लेज. इसकी वजह से क्या होगा, साइक्लिक एएमपी ज्यादा प्रोड्यूस होगी. साइक्लिक एएमपी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसेस जो है ये एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये क्या करेंगे जो आयन ट्रांसपोर्ट है इसको ये भी नॉन स्टॉप होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, इनटू द सेल मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ द वाटर एंड आयंस फ्रॉम द सेल. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका और मुझे लगता है कि हमने जो ई कोलाई में हमने इससे सिमिलर मैकेनिज्म पढ़ा था जहाँ पे हम उसके टॉक्सिन्स पढ़ रहे थे. यहाँ पे देखिए कॉलरोटॉक्सिन है, ए सब यूनिट है, ये बी सब यूनिट है. बी सब यूनिट इज गोइंग टू बाइंड टू द एंटेरोसाइट एंड ट्रांसपोर्ट द ए सब यूनिट इनसाइड द सेल. ए सब यूनिट एंटर हो गया, ये आप देख सकते हैं कि दिस इज द जी प्रोटीन. ठीक है, ये एटीपी राइबोसिलेशन होगी इसकी. ठीक है, और ये अब जो है ना ये स्विच ऑन हो गई है. अब ये जब स्विच ऑन हो गई है तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज को ये स्टिमुलेट कर रही है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, साइक्लिक एएमपी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी. जब ये इंक्रीज होती जाएगी तो क्लोराइड आयन और बायकार्बोनेट फॉलो बाय द वाटर इट विल बी सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटेरोसाइट टू द ल्यूमेन ऑफ द जीआईटी. ठीक है, और इन रिटर्न यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड जो है वो अंदर है. ठीक है, ये तो इसका वो मैकेनिज्म है कि ये एब्जॉर्प्शन इस तरह से हो जाती है या होनी होती है. ठीक है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे ये मैकेनिज्म जो है दिस इज द पॉजिटिव मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज. यहाँ पे आयन इम्बेलेंस भी हो गया, यहाँ पे वाटर भी सेल से लॉस हो गया है. ठीक है, और इसकी वजह से इस पेशेंट में सिवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगी. द वाटरी इफ्लक्स एंटर्स द ल्यूमेन ऑफ द गट रिजल्टिंग इन मैसिव वाटरी डायरिया दैट कंटेन्स नो न्यूट्रोफिल्स नो आरबीसीज. ठीक है, पेशेंट की जो बेसिकली जो डिसेबिलिटी और डेथ है इट इज ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस.
इसकी जो जीन्स हैं दे आर कैरिड ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरियोफेज ठीक है कॉल्ड सीटीएक्स जो लाइसोजेनिक कन्वर्जन है नॉन टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन से टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन में इट कैन अकर व्हेन द सीटीएक्स फेज ट्रांसड्यूसेस दीज जीन्स तो ये हमने ट्रांसडक्शन में जहाँ पे पढ़ा था लाइसोजेनिक कन्वर्जन वहाँ पे हमने कुछ टॉक्सिन की एग्जाम्पल्स पढ़ी थी जिसमें एक डिप्थीरिया टॉक्सिन थी और एक पॉलरोटॉक्सिन भी थी ठीक है द पिलाई दैट अटैच द ऑर्गेनिज्म टू द गट म्यूकोसा दीज आर रिसेप्टर्स फॉर द फेज एंड नॉन ओवन विब्रियो कॉल्री इज एन ओकेजनल कॉज ऑफ डायरिया एसोसिएटेड विद ईटिंग शेलफिश ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोस्टल वाटर्स ऑफ द यूएस अब यहाँ पे हम इस एक साइड में हल्का सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो विब्रियो है वो कॉज करा इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो शिगेला था वो कॉज करा था लार्ज इंटेस्टाइन में लेकिन शिगेला स्मॉल में भी कर सकता है टर्मिनल आईएम के एरिया में ठीक है तो मगर विब्रियो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है अच्छा अब यहाँ पे हमने देखा कि ये बैक्टीरिया ये जो है विब्रियो कॉलरी ठीक है ये यहाँ पे मेन टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं इनकी टॉक्सिन एंटर हो जाती है सेल में वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है ठीक है ये इसमें से इसका मैकेनिज्म है और शिगेला का क्या मैकेनिज्म था सेल के अंदर एंटर हो गए ठीक है फेगोसाइटोसिस को इन्होंने जैसे आप कहते हैं फेगोसाइटोसिस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया और फिर जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ये उल्टी बनी हुई है डायग्राम ठीक है ये इंटेस्टिनल ल्यूमेन है यहाँ पे ये आपको विलाएं नजर आ रही है इधर से एंटर हुई हैं ये जा रही है मैक्रोफेज में ये फेगोसाइटिक सेल इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते ठीक है देन अगेन दे एंटर द सेल्स वहाँ से एक्टिन फिलामेंट्स बनाते हैं नेबरिंग सेल्स में एंटर होते हैं फिर अपने टॉक्सिन बनाते हैं सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं Clinical findings in case of Vibrio cholerae, there is watery diarrhea, large volumes. This is the hallmark of cholera. ठीक है? अच्छा इसके साथ एक चीज और भी इसके बारे में कहा जाता है कि it is flaky diarrhea. ठीक है? That is the watery diarrhea जिसके अंदर छोटे-छोटे flakes हो सकते हैं. ठीक है? Okay. This is there is no RBCs. अच्छा और इसकी एक टिपिकल अपेयरेंस होती है इसकी वजह से इसको हम कहते हैं राइस वाटर स्टूल या आप कह सकते हैं कि पेशेंट्स जो कॉमन टर्म्स में इसको लेबल करते हैं वो बेसिकली राइस वाटर स्टूल की इसमें करते हैं लेबल ठीक है ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है जिसके लिए यूज की जाती है जी अच्छे से शोर आ रहा है अब इसका क्या कर सकते हैं बच्चों बहुत सारे लेक्चर्स एक साथ चल रहे हैं ओके राइस वाटर स्टूल इज अ टर्म दैट इज ऑफन अप्लाइड टू नॉन ब्लडी एफ्लुएंट ठीक है क्यों क्योंकि इसका कुछ कलर भी ऐसा होता है और कुछ इसकी अपीयरेंस भी ऐसी होती है और इसमें छोटे छोटे फ्लेक्स भी होते हैं देयर इज नो एब्डोमिनल पेन देयर इज नो एंड सबसीक्वेंट सिम्टम्स आर रेफरेबल टू द माउथ डिहाइड्रेशन तो शिगेला में जैसे आपने देखा था कि एब्डोमिनल पेन भी है म्यूकस एसोसिएशन भी है ब्लड एसोसिएशन भी है इसमें ऐसा कुछ नहीं है लेकिन डिहाइड्रेशन के साइंस बहुत ज्यादा होंगे ठीक है लॉस ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लीड्स टू कार्डियक एंड रीनल फेलियर जब ये बहुत ज्यादा मासिव वाटर लॉस हो जाएगा बॉडी से और इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसके साथ लॉस हो जाएंगे तो इसकी वजह से कार्डियक और रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है एसिडोसिस एंड हाइपोकैलेमिया आल्सो अकर एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम इन द स्टूल मोर्टेलिटी रेट विदाउट ट्रीटमेंट इज 40% ठीक है तो ये आप देख सकते हैं कि अगर इसमें हम ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पर नहीं देते पेशेंट को तो पेशेंट कैन डिहाइड्रेशन तो हम इतना वेट नहीं कर सकते कि हमने बहुत ज्यादा जो है वो कोर्स आने का वेट करना है तो क्लिनिकल डायग्नोसिस अमूमन ली जाती है अनलेस कहीं पे कोई आउटब्रेक हो जाए फिर हम स्टूल सैंपल लेते हैं स्क्रीनिंग करेंगे तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स होंगे कल्चर करेंगे तो कलरलेस कॉलोनीज होंगी मेकोनकी जगह पे ठीक है जो बाकी मेंबर्स इसको डिफरेंशिएट करता है TSI पे देयर इज एसिड स्ट्रैंड एसिड बस बट नो गैस नो H2S ठीक है सपोज फर्मेंटेशन होती है और एग्लूटिनेशन जो है ना ये पॉलीवेलेंट O1 और नॉन O1 एंटीसीरम से हम इसकी एग्लूटिनेशन भी चेक कर सकते हैं और किसी को प्रीवियसली अगर इन्फेक्शन हुआ हो रिट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस हम बना सकते हैं कि प्रीवियस इन्फेक्शन अगर विब्रियो कॉलरी से किसी पर्सन को हुआ था तो उसमें हम एंटीबॉडीज को यूज कर सकते हैं उनको चेक कर सकते हैं कि कन्वेलेसेंट या रिकवरी फेज में एंटीबॉडीज IgG बनी हुई है या नहीं ठीक है अच्छा अब इसकी ट्रीटमेंट तो हर किसी को आनी चाहिए क्योंकि हमने कहा कि इसमें जो है वो एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है ठीक है दैट मींस आपने सिर्फ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसका लिखना है पूछेगा कोई नहीं आपसे एग्जाम में लेकिन फिर भी हर बंदे को अपने तौर पर पता होना चाहिए कि जब भी किसी बंदे को जो है वो एक्सेसिवली वाटर डायरिया होगा सबसे पहले उसका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस जो है इसको आपने रिप्लेस किया है वो कैसे करते हैं इसकी दो सूरतें होती हैं अगर पेशेंट ओरली लेने के काबिल है तो
जैसे आपको कॉमनली आपने सुना होगा ORS के सैशे बाजार में अवेलेबल हैं, वो आपने एक सैशे एक जग बॉइल्ड पानी में जो बॉइल करके ठंडा किया गया हो उसमें आपने पेशेंट को कहना है कि एक सैशे को एक जग पानी में आपने डालना है, या चार ग्लास पानी लेके जो कि उबला हुआ पानी हो उसके अंदर आपने एक सैशे ORS का ऐड करना है और उसको आपने फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करना है, यानी जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा पीते रहना है, ठीक है ना। जो डबल्स में नहीं स्मॉल डबल्स पे, अगर आपका पेशेंट ऐसी कंडीशन में है कि वो ओरली नहीं ले सकता तो फिर डेफिनेटली आप उसको ड्रिप लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू एनहांस द अपटेक ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। एंटीबायोटिक्स आर नॉट नेसेसरी बट दे डू शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स एंड रिड्यूस द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। प्रिवेंशन में अगेन क्लीन वाटर एंड फूड सप्लाई, इसके अलावा दो वैक्सीन भी हैं। एक वैक्सीन इसकी जो है उसमें किल सेल्स हैं O1 स्ट्रेन के और इसके साथ कॉलरा टॉक्सिन सप्लीमेंट V भी ऐड हुआ है, ठीक है। ये अटैचमेंट को रोकता है, बैक्टीरिया को इंटेस्टिनल सेल्स पे अटैच नहीं होने देता और जो टॉक्सिन अगर कोई प्रोड्यूस हो गई हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो सेकेंड है वो किल्ड होल सेल वैक्सीन है, ठीक है। इसमें O1 भी है और O159 भी है, एक में खाली O1 है और एक में O1 और O159 है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने ये कहा है कि इनमें से कोई भी जो है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स में तो अवेलेबल नहीं है। व्हाई आर वी गिविंग एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? नंबर वन, हमारी बुक यूनाइटेड स्टेट्स में छपी हुई है। नंबर टू, हम अमूमन चूंकि हम अपनी बुक के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं तो हम डेवलप कंट्रीज के हिसाब से स्टडी करें, ऑल्दो हमें अंडर डेवलप को भी स्टडी करना है क्योंकि वी आर रिजाइडिंग है, ठीक है। तो इंजेक्टेबल किल्ड वैक्सीन जो है इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज। इसमें जो टेट्रासाइक्लिन है इसको यूज़ किया जा सकता है कॉन्टेक्स्ट में, क्लोज कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन ये कोई आउटब्रेक होगा तो ये हेल्पफुल नहीं, ठीक है। तो इसकी जो अगर आपने इसको प्रिवेंट करना है बेसिकली डिजीज को, तो आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्लीन वाटर एंड फूड सप्लाई और सेकेंड क्या है, डिटेक्शन ऑफ कैरियर्स, ठीक है। ये दो चीजें इसकी प्रिवेंशन में आपने याद रखनी है, वैक्सीन इसकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट इज अ लिटिल अबाउट, ओनली 2-3 स्लाइड्स आर लेफ्ट, इसमें हमने मामूली सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। विब्रियो पैरा हिमोलिटिकस जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए हमें थोड़ा सा इसको पढ़ लेना चाहिए। इसमें मैरिन ऑर्गेनिज्म से ट्रांसमिट हो रहा है जिसमें अंडरकुक्ड सी फूड है, शेलफिश है, ऑयस्टर्स है। ये उन एरियाज में ज्यादा होता है जहाँ पे रॉ फिश की कंजम्पशन ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल जापान, ठीक है। और इसमें जो है इसमें भी एक एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस होती है, इसकी पैथोजेनेसिस की बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पता, जिसमें आप यकीनन खुश हो रहे होंगे, ये पता नहीं है तो याद भी नहीं करनी है, ठीक है। क्लिनिकल पिक्चर कॉज्ड बाय विब्रियो पैराहेमोलिटिकस वेरीज फ्रॉम माइल्ड टू क्वाइट सीवियर, वाटरी डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फीवर, ये इसमें पिक्चर्स हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इसमें कोई हिस्ट्री होगी ऐसी कि इस पेशेंट ने जो है ना वो सी फूड कंजम्पशन से रिलेटेड कुछ होगा इसमें, आएगा। और डेफिनेटली हम आपको ये भी बता देंगे इसमें कि इसमें ग्राम नेगेटिव कर्व ब्लॉट्स जो है ना वो इन्वॉल्व है। द इलनेस इज सेल्फ लिमिटेड, खुद से ठीक हो जाती है अबाउट 3 डेज, ठीक है। इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम विब्रियो कॉलरी, इसको हम दोनों आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाय द ग्रोथ इन सोडियम क्लोराइड। ये हमने पढ़ा था कि विब्रियो जो है हेलोफिलिक होते हैं। विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस दे गोज इन 8% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है, और क्योंकि ये मैरिन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और जो विब्रियो कॉलरी है वो इतनी हाई परसेंटेज में ग्रो नहीं करता। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड बिकॉज डिजीज इज रिलेटिवली माइल्ड, सेल्फ लिमिटेड डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर रेफ्रिजरेशन एंड कुकिंग ऑफ सी फूड, ठीक है। तो आसान तरीका है, इसको हम बड़े आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड, विब्रियो वल्निफिकस, ठीक है। ये क्या है, ये एक और टाइप है विब्रियो कॉलरी की, जो ये भी मैरिन वाटर्स में रिजाइड करता है और वार्म सॉल्ट वाटर्स स्पेसिफिकली, ठीक है। सो ये क्या कॉज करता है, सीवियर स्किन इन्फेक्शन है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, सेल्यूलाइटिस, स्पेशली इन शेल्फिश फिश हैवर्स, ठीक है। तो अगर कहीं कोई MCQ इसमें से आपको आ जाता है तो डेफिनेटली SEQ नहीं है ना, MCQ आ सकता है इन दोनों शॉर्ट जो शॉर्ट वाले हैं, विब्रियो पैराहिमोलिटिकस और वल्निफिकस दोनों में से, ठीक है। तो इसमें भी एक हिस्ट्री दी हुई होगी कि ये पर्सन जो है वो शेलफिश को हैंडल कर रहा था, ठीक है, और उसके बाद उसका स्किन वाउंड डेवलप हो गया, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो कॉज अ रैपिडली फैटल सेप्टिसीमिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो कोई हिस्ट्री हो सकती है कि इसकी ये कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट था, लाइक HIV पेशेंट था, कैंसर पेशेंट था, या कोई और कंडीशन हो सकती है जिसने रॉ शेलफिश कंज्यूम की थी। Hemorrhagic bullae in the skin often they occur in patients with sepsis caused by Vibrio vulnificus. Chronic liver disease predisposes to severe infection. So, जिन लोगों में liver diseases chronic है definitely उनमें इसका infection ज़्यादा हो सकता है, और इसके जो treatment है वो doxycycline है। So,
With this we come to the end of the lecture. यहाँ पे video की skin infection आपको इस diagram में दिखाती है, ये जो bullous condition है, ठीक है, this is an infective condition caused by video vulnificus. ठीक है, okay. So up till now we have covered some topics from the GNR, जिसमें से हमने first of all हमने जो introductory lecture था वो लिया था GNR का, जिसमें इसकी जनरल प्रॉपर्टीज बताई थी आपको. फिर उसके बाद मैंने आपको E. coli पढ़ाया था. सेकंड जो है वो हमने आज, फिर उसके बाद हमने साल्मोनेला पढ़ा, आज हमने शिगेला और विब्रियो भी कवर कर लिए हैं. और मेरा ख्याल है कि जो आपकी ईद हॉलीडेज है उससे पहले आपको हम कंपाइलोबैक्टर और हेलिकोबैक्टर भी कवर कर लेंगे, एंड देन वी विल बी लेफ्ट विद स्यूडोमोनास एंड दी जो जो लेस डिटेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे इसमें से रह जाएंगे. अच्छा, अब ईद हॉलीडेज कब है ये तो अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर रही कब है, जब एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताएगी तब पता चल जाएगी. ठीक है, लेकिन अभी आप मुझे ये बताएं कि इसमें से आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है विब्रियो में से, साल्मोनेला में से, शिगेला में से, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो बोलिए. नहीं बेटा, 15 मई से नहीं हो रही हमारी, और हमारी बहुत ज्यादा हो भी नहीं रही है ना, क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी काफी वेस्ट हो चुका हुआ है ना, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा छुट्टियां नहीं कर सकते. हमने अपना सिलेबस भी कवर करना है. लेट से अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लेती है कि कुछ टाइम में कॉलेजेस खुल जाने हैं, तो फिर हमें उसके बाद ऑब्वियसली अपने एग्जाम्स भी हमने साथ साथ कंडक्ट करने होंगे, इसमें से भी बहुत सारी चीजें रिवाइज होनी होंगी. ओके, टॉपिक बच्चों आपस में बातें करने की बजाय पहले मुझे बता दें आपने कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना है या नहीं पूछना है. नहीं पूछना, ओके. ये जो है ना बड़ी परेशानी की बात है कि आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, तो इट मेक्स मी थिंक कि आप या तो आप लोग बहुत लाइक बच्चे हैं या फिर मैं बहुत अच्छा पढ़ाने लग गई हूँ. और जो तीसरी चीज है जो कि मुझे ज्यादा सही लग रही है वो ये है कि आप लोगों ने कुछ ध्यान से सुना भी है कि नहीं सुना. चलिए फिर भी बुक में से इसको एक रीडिंग दे लेंगे आप, ठीक है. अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी तो हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. और कोशिश किया करें कि जो टॉपिक हम कवर करते हैं ना उसको जल्दी से जल्दी एक छोटी सी कम से कम छोटी छोटी वाली रीडिंग जो होती है ना सुपरफिशियल वाली वो कम से कम जरूर दे लिया करें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें समझ क्या नहीं आ रहा. 8:30 से, अच्छा आज आपका टेस्ट था तो फिर तो लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़ा ही नहीं होना मेरे बच्चों ने. चलिए अगर पढ़ा है तो इट्स रियली ग्रेट, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अब हमारी ये कोशिश है कि हमने इस साल आपकी क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आना है. और वो मैं अकेली तो बच्चों कर नहीं सकती हूँ, मैंने तो ये सारी चीजें पढ़ ली भी हैं, ठीक है, तो पढ़ना तो अब आपको ही पड़ेगा, ठीक है ना. जो चीज समझ नहीं आती है कोशिश किया करें. हाँ जी, बच्चों का प्रॉफ स्टार्ट हो रहा है 2 जून से. हम कोशिश करेंगे कि जिन दिनों में आप लोगों के एग्जाम्स हों उसमें हम कोई देखते हैं. चलिए मैं डिस्कस करती हूँ सीनियर्स के साथ या मैडम के साथ डिस्कस करती हूँ कि अगर उसमें हम या तो लेस इम्पोर्टेंट कोई थोड़ा सा रख लें या फिर हम उसमें से कोई चीज़ जो आपको ज़रूरत हो वो हम उसको रिवाइज कर लेंगे. क्योंकि जो बच्चे क्लास मतलब ऑब्वियसली आपने क्लासेस तो आपने अटेंड करनी होंगी, आई थिंक सो, ये नहीं करनी होगी. एग्जाम के लिए आप जाएंगे तो क्लासेस तो नहीं अटेंड कर सकेंगे ना. Anyways, I'll help out any of you who needs help. जिस दिन बच्चों के पेपर्स होने हैं उन्होंने डेफिनेटली दो तरफ का पढ़ना होगा, तो उनमें से जिसको भी कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होगी लेकिन लेट मी नो, ठीक है. तो जो चीज आपको नहीं समझ आ रही होगी वो मैं किसी तरह से आपको सेपरेटली भी समझा दूंगी. ये टेंशन से पौधे होने की जरूरत नहीं है, आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स लेनी है. बच्चों जो इस तरह की डिजीजेज होती हैं जिनका आपको कोई एंड नहीं पता कि ये कितने अरसे तक रहनी है, ठीक है, और ये एक वर्ल्ड वाइड चीज है ना, सिर्फ यहाँ पे तो नहीं है, तो सारी दुनिया में इसी तरह से है. तो हमें ये भी आइडिया नहीं है कि ये कब तक रहनी है कब तक नहीं रहनी,
तो अब हमें इसके साथ ही हमने जिंदगियां तो गुजारनी है ना, जितनी 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 हमारी अल्लाह ताला ने लिखी है, अल्लाह ताला सब पे रहम रखे। लेकिन हमने अब हमें अपने आप को हमने इस तरह से ट्यून करना है कि हमने अपनी इम्यूनिटी खुद बिल्ड करनी है इसके अगेंस्ट। आप में से जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे उन्होंने बहुत केयरफुल रहना है, उन्होंने सारी प्रोटेक्शन लेनी है, अपने लिए मास्क अरेंज करें। अगर आपने कॉलेज से होके जाना है, इफ एनी ऑफ यू नीड्स एनी हेल्प इन अरेंजमेंट ऑफ मास्क, और ये तो उसमें डेफिनेटली हम जो कुछ आप लोगों के लिए कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे। हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखिएगा और जो है ना उनको प्रॉपरली उनको यूज भी कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज्यादा क्लोज एक दूसरे से ना बैठे और मास्क अपना किसी सूरत में भी आपने भूल के नहीं जाना है। ठीक है, चलो विद दैट वी कम टू एन एंड। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज। और अगर किसी को बाद में कोई क्वेश्चन याद आ जाए तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। ठीक है।